फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखेंगे। और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स प्रोग्राम के थ्रू बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आई होप कि आपने मेरा लेक्चर, जिसमें हमने मर्ज एरे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इसका मीनिंग है कि दो सॉर्टेड एरे हमें गिवन है और उसको मर्ज कैसे किया जाए, ये हमने डिस्कस किया था। आप जरूर उसको देखा है, क्योंकि हम उसी एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये इंटरसेक्शन के लिए वर्क करने लगेगा। सो मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 10 एंड 15, और इसके बाद एक दूसरा सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 10, 20 और 30। तो अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं और अगर हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम केवल उनको डिस्प्ले करें। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं कि जैसे हमने मर्ज एरे में लिया था, वैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आई फर्स्ट इंडेक्स पे एट द फर्स्ट एरे और जे फर्स्ट इंडेक्स पे एट द सेकेंड एरे। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1 और 2 का, मतलब आई और जे एलिमेंट्स का। ये दोनों एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो इक्वल नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर आई ए आई एलिमेंट छोटा है तो हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर हम 2 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर जाते हैं। इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन में ऐड होगा, तो इन इस एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं और आई और जे दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देते हैं। इस केस में 3 और 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं। 3 हमारा स्मॉल एलिमेंट है देन द 4, तो 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम आई को सिंपली आगे बढ़ा देते हैं। एंड देन हमारे पास एलिमेंट है 4 और 4 हम कंपेयर कर रहे हैं। आई और जे एलिमेंट ये इंक्लूड होना चाहिए इंटरसेक्शन सेट में, इसलिए हम आई को भी आगे बढ़ा देते हैं और जे को भी आगे बढ़ा देते हैं। अब हमारा कंपेरिजन 10 और 10 का होगा, दोनों कॉमन एलिमेंट है इसलिए इंटरसेक्शन में ऐड होगा। आई को भी हम आगे बढ़ा देंगे और जे को भी आगे बढ़ा देंगे। और अब कंपैरिजन मेरा 15 और 20 का होगा, क्योंकि 15 छोटा एलिमेंट है इसलिए फाइनल एरे में ऐड हो जाएगा, और सॉरी 15 हमारा छोटा एलिमेंट है इसलिए हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे लेकिन फाइनल एरे में ऐड नहीं करेंगे। पार्डन मी फॉर दिस, केवल कॉमन एलिमेंट ही ऐड होगा। और जैसे हम ऐसा करेंगे आई अपने लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आई अपनी लिमिट को क्रॉस कर गया इसलिए अब हम कोई भी और टास्क नहीं करेंगे। कंपैरिजन पॉसिबल होगा दोनों एलिमेंट में, तभी इंटरसेक्शन निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यही मेरा आंसर है और इसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। तो नाउ हम इसमें जो मर्ज एरे वाला फंक्शन था उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये मेरा मेन लूप था जिसमें हमने कंपैरिजन किया था ए आई और बी जे एलिमेंट का। जब कंपैरिजन पॉसिबल नहीं थे तो हमने अलग अलग पार्ट में चेक कर लिया था कि यार क्या ए एरे में एलिमेंट्स बच गए हैं क्या, और क्या बी एरे में एलिमेंट्स बच गए हैं, तो उसको हमने थर्ड वाले लूप से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे जो हमने चेंज करना है वो सबसे पहला चेंज हम क्या करेंगे कि एक एक करके स्टेप देखते हैं कि अगर ए आई बीजे से छोटा है तो हमें एलिमेंट को ऐड नहीं करना है। तो चूंकि एलिमेंट को ऐड नहीं करना है तो इसलिए ये लाइन नहीं लिखी जाएगी, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। केवल हम आई को इंक्रीमेंट करते हैं और साथ ही साथ के को भी इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट आईडी नहीं हुआ तो के कैसे, के क्यों इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि एल्स में आते हैं। एल्स का मीनिंग क्या है कि ए आई बीजे से छोटा नहीं, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बीजे एलिमेंट छोटा है ए आई से, इस केस में मेरा जो एलिमेंट है वो ऐड नहीं होगा बी एरे से, तो ये लाइन हम कट कर देते हैं, ये लाइन हमारा नहीं चलेगा। और साथ ही साथ के को भी इंक्रीमेंट नहीं करते लेकिन जे को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ जाना है। इसका एल्स ये हमें बताएगा कि ना ही ए आई छोटा है ना ही बीजे छोटा है, तो निश्चित रूप से दोनों इक्वल हैं। ए आई और बीजे एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो उनको हम ऐड करेंगे सी एरे में, और चाहे ए आई को आप ऐड कर लीजिए चाहे बीजे को ऐड कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। इस केस में हम के को आगे बढ़ाएंगे, आई को भी आगे बढ़ाएंगे और जे को भी आगे बढ़ाएंगे, और जब तक ये कंपेरिजन पॉसिबल होंगे ए आई और बीजे एलिमेंट्स में हम ये करते रहेंगे, केवल कॉमन एलिमेंट्स को ही हम ऐड करेंगे। लेकिन ये लूप नंबर 2 जो कि बचे हुए एलिमेंट्स को ऐड कर रहा था, और ये जो लूप नंबर 3 है जो भी बचे हुए एलिमेंट्स को ऐड कर रहा था, ये दोनों मेरे नहीं चलेंगे। ये दोनों इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि कंपैरिजन पॉसिबल होंगे तभी तो हमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा। और ये क्या बता रहा है कि रेसिडुअल एलिमेंट्स जो बच गए एलिमेंट्स है उनको आप 1 बाय 1 ऐड करो, तो ये मेरा पार्ट इंक्लूड नहीं होगा फाइनल एरे में। आइए इसको कोड करके देखते हैं। तो ये मेरे पास एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। ऑर्डर इंजर्शन से हमने पहला सेट बना लिया है, ऑर्डर इंजर्शन से ही मैंने सेकंड सेट बना लिया है। मर्ज अरे और यूनियन का भी पार्ट मेरे पास या कोड मेरे पास अवेलेबल है। मैं काम करता हूँ कि मर्ज अरे के कोड को कॉपी करता हूँ और उसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा और ये मेरा इंटरसेक्शन के लिए कोड बन जाएगा। फाइन, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ
और यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम का नाम है इंटरसेक्शन। तो ए एरे या ए सेट जिसकी साइज एम है, बी सेट जिसकी साइज एन है, हम उसके साथ वर्किंग कर रहे हैं, और सी सेट में सी हमारा इंटरसेक्शन सेट होगा। आई जे और के तीन वैल्यूज हैं जिसको मैंने इंडेक्सेस माना है एरे का, और इसके बाद जब तक आई लेस देन एम और जे लेस देन एन है, इसका मतलब कि कंपैरिजन ए आई और बीजे में पॉसिबल है, तब तक हम वर्क करेंगे। अगर ए आई छोटा है बीजे से तो हम एलिमेंट तो नहीं इंक्लूड करेंगे लेकिन आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। सिमिलरली एल्स का पार्ट ये बता रहा है कि ए आई बीजे से छोटा नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो बीजे ए आई से छोटा है। अगर बीजे ए आई से छोटा है तो उस केस में हम सिंपली जे को इंक्रीमेंट कर देते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो हम जे को इंक्रीमेंट कर देते हैं और आगे चलते हैं कंपैरिजन के लिए। लेकिन मान लीजिए कि ना ही ए आई छोटा है बीजे से, ना ही बीजे छोटा है ए आई से, तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे कि सी एरे में या इंटरसेक्शन एरे में ए आई या बीजे एलिमेंट दोनों में से कोई भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में से कोई भी एलिमेंट इंक्लूड कर लीजिए, और इंक्लूड किए गए एलिमेंट के बाद आई को आगे बढ़ा दीजिए और जे को आगे बढ़ा दीजिए, जे को सॉरी, और ऑब्वियसली के को तो आगे हमें बढ़ाना ही है क्योंकि हमें सी एरे के एलिमेंट को इंक्लूड करना है, सी एरे में एक पोजीशन आगे बढ़ानी है ताकि नया एलिमेंट उस पोजीशन पे आ सके। तो के हमें ये बता रहा होगा कि क्या साइज है हमारे सी एरे की, और ये जो लास्ट के जो दो लूप्स हैं इसको हमें हटाना है क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं है बल्कि रेसिडुअल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे थे। फाइनली इंटरसेक्शन एलिमेंट को हम प्रिंट करके देख लेंगे, तो रन करके देखते हैं इसको। हाँ, इसके पहले इंटरसेक्शन को कॉल तो कर ही लेते हैं, फंक्शन का नाम मेरे है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को हम कॉल करते हैं ए एरे जिसमें एम एलिमेंट्स हैं, बी एरे जिसमें एन एलिमेंट्स हैं इसके साथ, और आइए रन करके देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। ओके फाइन, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ए एरे है पहला वाला पार्ट, ये मेरा बी एरे है दूसरा वाला पार्ट, ये मेरा एरे है जिसमें कि हमने मर्ज किया हुआ है, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ये मेरा यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेरा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि कॉमन एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। दोनों एरे के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 10, 70 और 19 है, 90 है जिसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो आई होप आपके इंटरसेक्शन समझ में आया होगा। अदर ऑपरेशंस के साथ हम नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।